फाइनली मैं जा रहा हूँ। हेलो, आई एम शिवा एंड दिस इज नॉट अ ब्लॉग। This is our experience, what I have learned in these 4 days in Vrindavan. और वृंदावन मैं लॉग करने नहीं गया था, मैं वृंदावन चीज़ों को एक्सपीरियंस करने गया था और मैंने किया। ये यादगार खुशी के पल सिर्फ 4 ही दिन के थे। आज है day 1, आज हमारा day 2 है, आज day 3 है, day 4 राधा कुंड। और इस प्यारे से पल को मेरे साथ 3 लोगों ने और सेलिब्रेट किया, ऋषभ, अभिषेक और शांतनु। वी आर सो लकी कि हम यहाँ आए। वृंदावन को इस छोटी सी वीडियो में डिस्क्राइब करना बड़ा मुश्किल है और मैं वृंदावन को डिस्क्राइब कर भी नहीं पाऊंगा क्योंकि ये मेरी सोच से भी ज़्यादा खूबसूरत था। और शायद इसका रीज़न ये है कि यहाँ ऊपर वाला रहता है, जो यहाँ गया है वो इस बात को जानता है। और ये सारी छोटी छोटी चीज़ें इस बात को बयां करती हैं, वृंदावन के लोग, वृंदावन की हवा, वृंदावन के जानवर, वृंदावन का प्रसाद। 5-स्टार होटल का खाना एक तरफ भाई, और जो भंडारे की तहरी ना उसका स्वाद एक तरफ, और वृंदावन का प्रेम। वृंदावन में एक रस है जो इन आँखों से नहीं देखा जा सकता, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता। और मैंने वो महसूस किया क्योंकि मैं वृंदावन ब्लॉग करने नहीं गया था। छोड़ो यार ये कैमरा है मेरा। I want to say something to you, always thankful to the God, because He has given you everything, your body, your eyes, your parents, your work, He has given you all these beautiful gifts, so we should always say, thank you God. और हाँ, thank you से याद आया कि एक thank you और बोलना है। मैं अभी bag bag pack कर रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटी सी बात कैमरे में रिकॉर्ड कर लूँ। बात यह है कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, उसमें थोड़े से नंबर्स बचे हुए हैं, पर मैं कल जा रहा हूँ वृंदावन, तो मैं चाहता ये हूँ कि मेरे वृंदावन में 1000 सब्सक्राइबर्स हों, तो ज़िंदगी भर मुझे याद रहेगा, छोटी सी मेमोरी बन जाएगी। और बट डर ये लग रहा है कि ट्रेन में ना हो जाए, कि घर से निकलते समय ना हो जाए, कि वृंदावन से आके ना हो, बट मैं चाहता ये हूँ कि वृंदावन में ज़िंदगी भर मुझे याद रहेगा। छोटे से नंबर्स हैं मुझे पता है, बट मेरे लिए काफ़ी बड़े नंबर हैं, पता नहीं देखो कहाँ होती। वृंदावन में हो जाए ना मजा आ जाएगी। इतनी मेहनत के बाद आई क्रॉस एक्सपेक्ट 1000 सब्सक्राइबर्स इन वृंदावन। दिल से शुक्रिया ऊपर वाले तेरा और आप सबका। तुम करते वो हो जो तुम चाहते हो, पर होता वही है जो वो चाहता है। तुम वो करो जो वो चाहता है, फिर वही होगा जो तुम चाहते हो। क्योंकि मैं चाहता था और वही हुआ कि वृंदावन में मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स हो, मुझे अब जिंदगी भर याद रहेगा। मैं वृंदावन जाने का 3 महीने से इंतजार कर रहा था और फाइनली मैं गया। और यहाँ आने के बाद मुझे और मेरे दोस्तों को पता चला कि यहाँ है क्या। और मैं ऊपर वाले का बड़ा शुक्रगुजार करता हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे अपने घर बुलाया। और मैं अब यहाँ आना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ सुकून है। मैं ऐसा नहीं था, ना ही मेरा काम ऐसा था। अब जैसा मैं हूँ, अब जैसा मेरा काम है।
और हाँ, मुझे ये भी पता है कि ये सब कुछ आप ही ने दिया है, ये सारा कुछ आप ही ने किया है, इन सब से मुझे मिलाया, ये सारी मुझे चीज़ें सिखाई, मुझे ऐसा बनाया। मुझे पता है कि ये सारा कुछ आप ही ने दिया। वाकई बिहारी लाल की जय। तो डियर गॉड, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। और आपको पता है, मैंने वृंदावन में दो मेमोरीज और बनाई हैं। एक तो 1000 सब्सक्राइबर्स हुए मैंने, जो अभी आपको बताया, और दूसरी मेमोरी बनाई है ऐसी कि वो मैं कभी भूल भी नहीं पाऊंगा, ना ही मेरे दोस्त मुझे भूलने देंगे। ये जो आप चश्मा देख रहे हैं, ये शायद आपको दिख रहा होगा, ये बंदर ने चबाया है। वहाँ के लोग मुझसे बोल रहे थे, बेटा चश्मा उतार देगो नहीं तो बंदर ले जाएगो। हमने कहा, अंकल नहीं ले जाएगो, मुझे क्या पता कि यार बंदर यहाँ आके चश्मा ले जाएगा। और वो हुआ, मेरा वहाँ पे बंदर चश्मा ले गया था। एक बंदा फिर आया, मुझसे कह रहा, तेरा चश्मा ले गया? हमने कहा, हाँ भाई ले गया। कह रहा, 200 रुपये दे, मैं ला के दूंगा। मैंने उसको दिए, उसने क्या किया, एक फ्रूटी ली, उस फेंकी, बंदर को पकड़ाया, बंदर ने चश्मा वापस कर दिया। मेरा जो मुंह बना वहाँ तो मैं आपको सोचा मैं एक किस्सा आपको शेयर करूंगा। तो आपको एक टिप दे रहा हूं, कभी वृंदावन जाना भाई तो चश्मा मत लगाना वहाँ, और अपना कीमती सामान अपने बैग के अंदर रखना। मेरे सामने 1000 रुपये का नुकसान हुआ है, वहाँ के बंदे थोड़े उपद्रवी हैं। तो हीरो मत बनना, मैं बना था, 0 बन के चला आया तो बस।